हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेडिवल इंडिया की टेस्ट सीरीज़ वन को सुना है। टेस्ट सीरीज़ पार्ट टू, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वन ही चल रही है, तो टेस्ट सीरीज़ वन पार्ट टू मैं अभी यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस हफ्ते एक टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करवा दूँ मैं आपको। एक टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ ये मेडिवल इंडिया की है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और मैं आपको कम से कम 10 से ज़्यादा करवाऊँगी इसकी टेस्ट सीरीज़, जिससे कि मेडिवल इंडिया का कोई क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ाए बिना काम भी नहीं चलता है, पता है। मेरे सर में दर्द रहता है इसके कारण कि कल का करंट अफेयर नहीं डाला, पोस्ट किया मैंने आपको, आज का भी हो गया, तो ये दो दिन का इकट्ठा हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ता है। आप देखेंगे करंट अफेयर कल करवाएंगे या परसों करवाएंगे। कल मैं सोच रही हूँ एक वोकैबुलरी का वीडियो करवा दूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिवल इंडिया टेस्ट शीट का पार्ट टू, ठीक है, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन करवाऊँगी। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें, QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट भी कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, और प्लीज़ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे बताते रहा करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। देखिए, कंटेंट मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, सिलेबस के हिसाब से वो अलग बात है, लेकिन अपना इंटरेस्ट भी ज़ाहिर किया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था। गजनी शासन की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था, तो इसका नाम है अलक दीन। क्या नाम है? अलक दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला मध्य भारत का कौन सा शासक था। सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण करने वाला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मध्य भारत यानी मिडिवल इंडिया में कौन सा शासक था, तो महमूद गजनी जब आया था ना, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि, ठीक है। क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण को मुकम्मल करवाने वाला यानी पूर्ण करवाने वाला कौन सा शासक था। कुतुब मीनार के निर्माण को यानी कुतुब मीनार शुरू तो करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करवा सका था, तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण यानी कंप्लीट करवाने वाला मुकम्मल करवाने वाला कौन सा शासक था, तो कौन था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया है कुतुब मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 में जब गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना आपको, ठीक है ना? आई होप सो कि आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, बलवंत के दरबार में फारसी लिटरेचर यानी साहित्य के कौन से दो प्रसिद्ध कवि रहते थे। बलवंत के दरबार में फारसी अदब, उर्दू में अदब कहते हैं, हिंदी में साहित्य कहते हैं, इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। देखिए, आज मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। निसाब कहते हैं कोर्स को, किसको? कोर्स, इंग्लिश में होता है कोर्स, उर्दू में क्या होता है? निसाब। हिंदी में क्या होता है? पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम, निसाब और कोर्स। अब साहित्य,
साहित्य कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लिटरेचर, उर्दू में क्या कहते हैं अदब। तो इसलिए बताती हूँ इतनी बातें ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको हर लैंग्वेज में समझ में आने लगे। तो बलवंत के दरबार में फारसी अदब यानी साहित्य के कौन से दो प्रसिद्ध कवि रहते थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन। और आपको बताया था कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये एक वली थे, सूफी थे, ठीक है। और आज भी इनका दिल्ली में बहुत बड़ा मज़ार है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, जब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया, जब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, उस टाइम ऐबक का सेनानायक कौन था? जब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, उस टाइम ऐबक का सेनानायक कौन था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? दीवाने अर्ज की स्थापना, माफ़ कीजिए, हाँ ठीक है, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो बलवंत के। जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट बना था और जो एक विभाग था दीवाने अर्ज, है ना, वो अब स्टोरी सुनते तो आपको पता चलता, आपने कमेंट बॉक्स में इंटरेस्ट ही जाहिर नहीं किया तो मैं स्टोरी बनना सुनाती आपको जो मैंने पढ़ा था। तो खैर, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किस में हुई? बलवंत के शासन काल में, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, मंगोल किस देश के निवासी थे? तो चीन के उत्तर में गोबी का रेगिस्तान था, उसी के निवासी थे ये मंगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किस शासनकाल में शुरू हुई? घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किस शासक के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के ही पीरियड में शासनकाल में जो सैनिकों का हुलिया लिखने वाली और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक वास्तुकला का मरकज किसको कहा जाता था? तो अलाई दरवाज़ा। इस्लामी वास्तुकला का मरकज कहा जाता था पहले अलाई दरवाज़ा को, ठीक है। और ये जो मैंने अभी कहा ना मरकज, थोड़ा मरकज गलत पढ़ दिया, रत्न, ठीक है। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता था अलाई दरवाज़ा को, क्या? रत्न, मरकज गलत पढ़ दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा मुझे, सॉरी टू से। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता था अलाई दरवाज़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, सजदा एवं पैबोस की प्रथा राज दरबार में किस शासक ने शुरू करवाई थी? सजदा एवं पैबोस की प्रथा राज दरबार में किस शासक ने शुरू करवाई थी? तो बलवन। और बलवन के बारे में बताया आपको कि इसने दीवाने अर्ज की भी क्या की थी, स्थापना की थी, दीवाने अर्ज विभाग की, यानी इसका एक डिपार्टमेंट होता था दीवाने अर्ज, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था, एक क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फारसी रीति रिवाजों पर आधारित फारसी रीति रिवाजों पर आधारित एक त्यौहार या उत्सव नौरोज या नवरोज की शुरुआत किस शासक ने की थी? फारसी रीति रिवाजों पर आधारित एक उत्सव नौरोज या नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो बलवन ने। किसने? बलवन। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था ना कि प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जब उसे जब ध्वस्त कर किया गया जिन लोगों ने किया, तो इसका सहायक सेनानायक कौन था? बताया था ना मैंने आपको, बख्तियार खिलजी ऐबक का ये सहायक सेनानायक रहा था। इसने इस मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर हो गया ये, मतलब जैसे भी इस इन लोगों ने मध्य भारत में तो बहुत कुछ उथल पुथल रही, आपको पता ही है। तो जो मतलब ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उस में लोग बहुत अपना मतलब पढ़ाई लिखाई का काम सब उसमें करते थे। तो इसने जब ऐबक ने उस पर उसे ध्वस्त किया था, तो इसकी सहायता इसने की थी। किसने? बख्तियार खिलजी। तो मध्य भारत में मतलब इसीलिए क्वेश्चन तो आते हैं एक दो क्वेश्चन, लेकिन ये है कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता मेडिवल इंडिया को, क्योंकि उथल पुथल बहुत रही, लेकिन क्वेश्चन आंसर आते हैं इसलिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? तबला एवं सितार के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को ब्राह्मणों पर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जजिया कर को ब्राह्मणों पर लागू करने वाला, इम्पोज करने वाला पहला मुस्लिम रूलर कौन था? तो कौन रूलर था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दो नए टैक्स यानी कर जोड़े थे? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दो नवीन कर पद्धति शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से नए दो न्यू टैक्स सिस्टम कितने? दो, टू, या दो नवीन कर पद्धति शुरू की थी? तो एक था चढ़ाई कर और एक था गरी कर। कौन सा था? गरी कर। ये दो नए टैक्स थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में शुरू किए थे, चढ़ाई कर और गरी कर। ठीक है, ये जो दो नए टैक्स लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ये क्या बोला है मैंने, चढ़ाई कर और दूसरा गड़ी है, ये गरी नहीं है, गड़ी कर। तो ये दो नए टैक्स इम्पोज किए थे, वो मतलब नए लाए थे अपने शासनकाल में इन्होंने दो टैक्स ये नए शुरू किए थे। कौन कौन से? नंबर वन चढ़ाई कर यानी चढ़ाई टैक्स, नंबर टू गड़ी टैक्स। ठीक है, गड़ी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को स्वप्नशील अथवा पागल कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे जो बहुत गलत रहे थे, जिसने तुगलक शासन का पतन ही कर दिया लगभग। तो फेल होने का इसका बहुत बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि इसके डिसीजंस बहुत सारे गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था? 56 दुर्ग कोट किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? या 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पहले तुगलक जो शासन शुरू हुआ था उसका पहला शासक यही था, गयासुद्दीन तुगलक। इसी के बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आया था?
मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके बाद था फिरोज तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की किस किताब में या किस पुस्तक में, एक मिनट माफ़ कीजिए, दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। इब्ने बतूता की किस किताब में, किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है? इब्ने बतूता की किस किताब में यानी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है? ऑलमोस्ट सभी घटनाओं का मोहम्मद बिन तुगलक के समय की वर्णन मिल जाता है। किस बुक में? तो इब्ने बतूता की बुक में। इब्ने बतूता की किस किताब में यानी बुक या पुस्तक जो भी कहिए में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो उसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला या रेहला, क्या कहते हैं? रेहला या रेहला, रेहला या रेहला, दोनों नाम याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्ने बतूता भारत आया था। कल बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में ये भारत आया था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की यानी कि जो भी शासनकाल था उसकी मोस्टली घटनाओं को लिखा है। किस बुक में? रेहला या रेहला में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिजर खां। खिजर खां ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही किस वंश से संबंधित पुस्तक है यानी किताब, बुक, जो भी कहिए। तारीख़ मुबारक शाही किस वंश से संबंधित पुस्तक है? तो सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी के बारे में ज़्यादातर, लगभग क्या, पूरा ही सैयद डायनेस्टी के बारे में मिलता है किस बुक में? तारीख़ मुबारक शाही। क्या है? तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य एवं नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता के साथ यानी सख्ती के साथ लागू करने वाला शासक कौन था? मूल्य एवं नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता के साथ लागू करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कल इसके बारे में बताया था, इसने बहुत सारी जो चीज़ें बनवाई थी उसके बारे में भी बताया था, आगे भी बताऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मूल्य एवं नियंत्रण प्रणाली को सख्ती के साथ यानी दृढ़ता के साथ लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने एक पद भी बनाया था, उसका नाम था शहनाई मंडी। शहनाई मंडी जो बाज़ारों, प्रत्येक बाज़ारों, बाज़ार में बाज़ार का अधीक्षक था, यानी बाज़ारों में लागू, ये लागू होता था पद, बाज़ारों के लिए था शहनाई मंडी। और उसका जो काम था वो क्या था कि प्रत्येक बाज़ार का, हर एक बाज़ार का अधीक्षक होता था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, शहनाई मंडी, ये भी मैंने एक कंसेप्ट मुझे ध्यान आया तो बता दिया है। तो खैर, ये जो है मूल्य एवं नियंत्रण प्रणाली, क्या है? मूल्य एवं नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता के साथ लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। क्या नाम है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, ये इसका फाउंडर था। क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखने वाला कौन सा शासक था? गुलरुखी शीर्षक पर या गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखने वाला मध्य भारत का कौन सा शासक था? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का एक शासक था मिडिवल इंडिया में, जिसने गुलरुखी, क्या रुखी नहीं, वो जो नहीं बोल, बोलने में दिक्कत होती है, लोग रुखी बोलते हैं, लेकिन गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखी। किसने? सिकंदर लोधी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया किस प्रकार का कर था? जजिया किस प्रकार का कर था? तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया किस प्रकार का कर था? तो गैर मुसलमानों पर
धार्मिक कर। और अभी आपको बताया कि ब्राह्मणों पर लागू करवाने वाला सबसे पहला शासक था जजिया को कौन, फिरोज तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात किस प्रकार का कर था? तो ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी कि जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर और ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, जजिया भी और ज़कात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने वाला बंदरगाह कौन सा था? सल्तनत काल का इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? तो कौन सा था? तो देवल बंदरगाह, देवल पोर्ट इंटरनेशनल पोर्ट ऑफ सल्तनत डायनेस्टी है। ठीक है, सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा कहा जाता था? देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो मुक्तई नाम था उसका, जिससे मिश्रित प्रणाली थी ये लगान निर्धारित करने की सल्तनत काल में, जिसको क्या कहते थे? मुक्तई। क्या नाम था? मुक्तई। ठीक है, मुक्तई याद रखिएगा। क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय किस वंश का महान शासक कहा जाता था? तो दुर्लभ वंश, कल भी दुर्लभ वंश के बारे में बताया था। दुर्लभ वंश का सबसे महान शासक के रूप में जाने जाने वाला कौन शासक है? कृष्ण देव राय को दुर्लभ वंश का महान शासक कहा जाता था या है अभी भी। ठीक है, दुर्लभ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, या किस शासक ने करवाया था, किस रूलर ने? तो कृष्ण देव राय। अभी बताया दुर्लभ वंश का महान शासक था और इसी ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी। कल आपको बताया था कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी। किन दो भाइयों ने? हरिहर और बुक्का। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर में टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरीघाना। क्या कहा जाता था? जोरीघाना। तो विजयनगर के टकसाल विभाग को जोरीघाना कहा जाता था। हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी और हम्पी राजधानी थी। क्वेश्चंस करवाने के बाद भी मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती जा रही हूँ कुछ। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑन, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।